ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्स नैतिक यानी कि करण मेहरा पहुंच गए हैं एक पेंटिंग एग्जीबिशन में, जहां उन्होंने सभी पेंटिंग की खूब तारीफ की और साथ ही बताई पेंटिंग की खासियत भी। जी बहुत ही अच्छी जो समता फाउंडेशन ने आज किया है, ऑर्गेनाइज किया है एक ऐसा मंच जहाँ पर आर्टिस्ट आए हैं पालघर से एंड रिचा इज़ हियर हु इज़ कॉल्ड मी, सो दैट्स वेरी नाइस एंड आई एम प्रिविलेज टू बी हियर बिकॉज आज मैं कुछ ऐसा विटनेस कर रहा हूँ जो शायद मैंने कभी पहले किया नहीं है। सो पालघर पर्स्पेक्टिव इज़ वॉट शी इज़ प्रमोटिंग हियर, जहाँ पर पालघर के जो फार्मर्स हैं उनका ये आर्ट है जो एक हॉबी है आप कह लीजिए, लेकिन पेंटिंग्स है, वाली पेंटिंग्स है, किसी ने बैम्बू से कुछ बनाया है, किसी ने कागज़ और गोंद से कुछ बनाया है, किसी ने लकड़ी से कुछ बनाया है। सो आई थिंक इट्स अमेजिंग कि ऐसा भी टैलेंट है लोगों में, और अपार्ट फ्रॉम दिस समता फाउंडेशन हैज़ बीन देयर फॉर 7 ईयर्स, तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, दे हेल्पिंग पीपल, किसी का कैटरैक प्रॉब्लम्स हैं, किसी के मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, फैमिली प्लानिंग की प्रॉब्लम है, सो मेनी थिंग्स, और इनिशिएटिव ऐसे बहुत सारे कर रहे हैं, क्लीन अप के हैं। सो आई थिंक इट्स ग्रेट कि इतना सारा काम ये फाउंडेशन कर रही है एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ, ये ऐसी चीज़ें करें, इज़ माई ओनली विश। तो जैसे इन्होंने बोला ये पालघर से इंस्पायर्ड, पहले मैंने मेरी कलाकारी दूसरे हॉल में वहाँ पे मैंने बनाया एक्रिलिक और कैनवस, तो वहाँ की जो पेंटर है तो वहाँ पे मैंने वहाँ की विमेन, वहाँ की गर्ल्स, उनकी लाइफ कैनवस पे डिपेक्ट की है। तो बिकॉज ये फाउंडेशन की वजह से मैं जब भी जाती थी मुझे कुछ हुआ, मुझे लगा ये जो विमेन है वहाँ उनकी ज़िंदगी हमसे जो मुंबई में हम शहर में रहते बहुत अलग है, बट हमारी जर्नी वही है, हम सब एक बेटी, एक माँ, एक बहन, एक डॉटर इन लॉ है, तो वो इमोशन, वो उनकी लाइफ मैंने मेरे कैनवस पे दिया। फिर वहाँ पे बहुत ट्राइबल आर्टिस्ट हैं पालघर में, एक्चुअली इट इज़ द ओरिजिन, वहाँ से वारली आर्ट ओरिजिनेट हुआ है, वारली आर्ट अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड गया है, पर एक्चुअली वारली इज़ अ ट्राइब फ्रॉम पालघर। तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे वारली आर्टिस्ट हैं जो हम पालघर से लेके आए, अलग अलग तालुका से, पेपर माशे के हैं, बैम्बू आर्ट है, वुड से बनाए हुए क्राफ्ट्समैन हैं। तो ये सब हमको लगा कि थ्रू समता थ्रू माई आर्ट आई कुड सपोर्ट देयर आर्ट ऑल्सो, सो उस वजह से हमने समता आर्ट इनिशिएटिव शुरू किया है विद इन आर फाउंडेशन। सो उसकी वजह से आज हम यहाँ हैं एंड वी आर ट्राइंग टू शो पालघर पर्सपेक्टिव्स टू एवरीवन एंड शेयर। हमारे में तो पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा होती थी, हमें स्केच तो करने ही पड़ते थे एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने कुछ पेंटिंग्स भी बनाई थी, तो मेरे घर में भी लगी हुई है, मेरे हाथ की बनी हुई, सो या बट उसके लिए भी एक टाइम और मूड होता है, यू नो हाउ क्रिएटिवली वी कैन गेट लाइक, बट यस तो आज बहुत ईजी हो जाता है जब आप आर्ट के लिए आए, आप समझे, क्रिएटिव सेक्टर में तो मैं हुई, बट इट ओनली हेल्प्स। सो आई हैव डन पेंटिंग्स बिफोर एंड इट बिकम्स ईजी फॉर मी कि अगर आज एक पेंटिंग लगी तो मुझे पता है कि इसमें कितनी मेहनत लगी होगी, कितना इंट्रिकेट काम किया है, कैसे बनाया है, तो उसका बैकग्राउंड स्टोरी थोड़ा समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं कि हम पहली बार ही आए हैं। सो बट इट्स नाइस टू सी, और इसमें तो बहुत मेहनत भी है, बहुत एक दिल से बनाई हुई चीज़ें हैं जो यहाँ पर देख रहे हैं एंड इतना एफर्टलेसली उन्होंने बनाया है, कभी कभी एक घंटे में बना लेते हैं, 2 घंटे में, 2 दिन में, सो इट टोटली डिपेंड्स एंड इट्स आई थिंक इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल। ऑफकोर्स ऐसे बहुत लोग हैं जो करते रहते हैं, आई विल नॉट लाइक टू नेम देम, बट एवरीबडी इज़ डूइंग देयर बिट आई थिंक, बट मोर एंड मोर जितने लोग और आके ज़्यादा इन्फ्लुएंस करें अपने फैंस को या अवेयरनेस क्रिएट करें, तो उतने ही ये बात सब तक फैलेगी, सो उतना ही अच्छा होता है एक सोसाइटी को और आगे बढ़ने के लिए एंड वी शुड जस्ट गिव बैक टू द सोसाइटी, जैसे हम लोग कहते हैं, तो जितना वो हो उतना ही अच्छा है एंड तभी ये दुनिया आगे और अच्छी बनेगी, तभी लोग आगे और बढ़ेंगे, वरना वो दिन दूर नहीं है जब चीज़ें उल्टी होकर हम पर ही आने शुरू हो जाएँ। So I think that's what we have to preserve, that is what will matter to us most.